ਅਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ 'ਚ ਚਟਨੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਗੜਿਆਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਰਗੜਿਆਂ ਬਣਦੀ ਬਿਹਤਰ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਣਦੀ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ये मेरी सास है, मेरी अम्मा है, तो मैं इनसे पूछ रही हूँ और ये बता रही है कि जो रगड़ाई में इसको रगड़ के बनाने में मज़ा है, वो इसको ग्राइंडर में पीस कर बनाने में कोई इसका टेस्ट नहीं है। तो ये मेरी अम्मा की और मेरी काविश का जो नतीजा है वो ये चटनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़ाज़िया बाबर और मैंने अपने फज़ाद कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज क्या बनने जा रहा है? आज बहुत कुछ खट्टा मीठा बनने जा रहा है। हम आज अनारदाना की चटनी बनाने जा रहे हैं जो पुदीना और हरे धनिए से बनेगी। तो जल्दी से इसके इन्ग्रीडियंट्स नोट कर लें। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो अनारदाना है। अनारदाना मैंने धो के भिगो के रखा हुआ था और धो लिया इसको। इसमें मट्टी वगैरह होती है तो वो सारी जो है वो ख़त्म हो जाती है धोने से और थोड़ा ये नरम हो जाता है, इसको पीसना आसान होता है। तो ये अनारदाना जो है ये 200 ग्राम है। ये सारा मैंने मेजरमेंट करके रखा हुआ है। ये 200 ग्राम अनारदाना जो मैंने धो के भिगो दिया था, अब इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लिया है और अब इसको हम पीसेंगे। इसके अलावा ये पुदीने के पत्ते हैं और ये हरा धनिया है। तो ये बराबर मिकदार में लेना है। मैंने 50 ग्राम पुदीने के पत्ते लिए और 50 ग्राम ही हरा धनिया लिया है, ठीक है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है जो मैंने रफली सा चॉप करके रखा हुआ है। एक बड़ा टमाटर है, ये भी मैंने रफली सा चॉप करके रखा हुआ है। इसके अलावा तकरीबन दो बड़ी हरी मिर्चें थी, या आप टेस्ट जैसा आपका है वैसा भी आप डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने दो नॉर्मल से साइज़ की हरी मिर्चें ली, वो काट के रखी हुई हैं। इसके अलावा जो इसमें चीज़ जाएगी वो चीनी है। आप चीनी की जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं चीनी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ। तो ये तकरीबन एक खाने का चम्मच भर के है। आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा। अच्छा, इसमें बाज़ लोग लाल मिर्च पाउडर भी डालते हैं, मैं नहीं डाल रही क्योंकि वो कच्ची जो मिर्च खाना वो ठीक नहीं है। तो इसमें ये चंद चीज़ें हैं जो चटनी को एक जायका देंगे और ये मैं ग्राइंड नहीं करूँगी ग्राइंडर में। हाँ जी, तो चटनी जो है वो इसमें पीसी जाएगी, इसको कुंडी डंडा कहते हैं। तो इसमें ये हाथ की मदद से इसको पीसा जाएगा और इसी की मदद से इसको ग्राइंड किया जाएगा हाथ से। ये जितने अच्छे से ग्राइंड हम करेंगे हाथ की मदद से, ये उतना ही इसका जो टेस्ट है वो डेवलप होगा। इसको इतना बारीक पीसना है कि ये बिल्कुल एक पेस्ट सी बन जाए, इसका दाना जो है वो बहुत बारीक हो जाए। मेरी सास हैं, वो बहुत अच्छी चटनी बनाती हैं, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो ये भी सीखने के मराहल में है, तो अभी वो मेरे साथ ये चटनी बनाएंगी। चलें, ये देखें अनारदाना जो है उसको डंडे की मदद से पीसा जा रहा है। ये देखें कैसा अच्छा सा पीस रहा है। तो इसको और बारीक करना है। ये ज़रा चेक करें कितनी फाइन सी मुलायम सी पेस्ट बन गई है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसको ऐसे ही अच्छे से मैश करना है, पीसना है कि ये बिल्कुल इसके साथ यकजान हो जाए। व्यूअर्स, अनारदाना जो है वो अपने पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक पिसता ही रहता है और इससे इसका जो दाना तो रहता है इसके अंदर, लेकिन बहुत बारीक और फाइन सा हो जाता है जिसको चबाने में मतलब कोई मुश्किल नहीं होती। तो जो लोग कहते हैं कि ये जो चटनी है वो हम ग्राइंडर में बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में बना सकते हैं, तो वो टोटली रॉन्ग है। उससे इसका जो टेस्ट है वो नहीं बनेगा। इसका जो अनारदाने का दाना है वो बिल्कुल इस तरह से पेस्ट की शक्ल में नहीं आएगा। तो इसको इसी तरह से, इसी तरीके से चटनी को बनाना चाहिए, तो इसका जायका जो है वो और ज़्यादा डेवलप होगा और ज़्यादा अच्छा बनेगा और इसका जो दाना है वो अच्छे से पिस जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर में तो वो टोटली रॉन्ग है। ये चटनी ऐसे नहीं बनती, ये बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे मैं बना रही हूँ, और इसका तब ही टेस्ट जो है वो डेवलप होता है कि जितना अच्छे से इसको हाथ की मदद से पीसा जाए, ये उतनी ही मज़े की बनती है। लोग सिलबट्टे पे भी बनाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स,
ये अनारदाने का जो दाना है कितना अच्छे से पिस चुका है। अब इसमें टाइम है ये हरा धनिया और पुदीना ऐड करने का, तो ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको अब मज़ीद पीसेंगे। पुदीना और धनिया जो है वो अच्छे से मैश हो चुका है, अच्छे से पिस चुका है। अब टाइम है इसमें टमाटर ऐड करने का। टमाटर जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था रफली चॉप, तो अब इसमें ये डाल के इसको अच्छे से पीसना है ताकि ये भी धनिया और पुदीने अनारदाने के साथ अच्छे से मैश हो जाए। तो इसी तरह से पीसते रहिए। अब इसमें टमाटर पीसे जाएंगे। ये भी बिल्कुल पेस्ट का एक हिस्सा बन जाएंगे, बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, जैसे बाकी चीज़ों का नहीं पता चल रहा कि इसमें क्या क्या है, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से इसमें अच्छे से घुल जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, एक मिनट बाद ही टमाटर का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा, वैसे घुल मिल गया है। मज़ीद इसको इसकी जो है वो रगड़ाई होगी कि ये और अच्छे सा अच्छे से मैश हो जाए, अच्छा सा पिस जाए और एंड में जो इसमें चीज़ जाएगी वो छीनी जाएगी। ये टमाटर वगैरह डालने से थोड़ा पतला हुआ हो रहा है और उसे इसके छीटे उठते हैं, तो कपड़े बचा के आपने ये काम करना है। मैं इसमें चीनी ऐड करने का, चीनी चली जाएगी। नमक मैंने थोड़ा सा और डाला है क्योंकि नमक इसमें कम लग रहा था, तो आप अपने जायके के हिसाब से भी इसमें नमक और चीनी ऐड कर सकते हैं, मिर्च ऐड कर सकते हैं। मिर्चें जो हैं वो मुझे प्रॉपर लगी हैं, लाल मिर्च में नहीं डाल दी, तो मैंने हरी मिर्च डाली है। तो देखिए मेरी बस चटनी बिल्कुल बनकर रेडी है, बहुत मज़ेदार है, टेस्ट कर चुकी हूँ, बहुत मज़े की बनी है। जो चटनी है वो मैंने निकाल ली है। ये एयर टाइट मेरे पास डिब्बा है, ये इसको मैं बंद करूँगी और इसको फ्रिज में रख दूंगी और एक से दो डेढ़ हफ्ते के लिए आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। खाने के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है। ये ना सिर्फ यानी कि जायके में मज़ेदार है, जायके में अच्छी है, ये और बहुत से इसके फ़ायदे हैं। ये फरत बख्श चटनी है, इसमें पुदीना है, हरा धनिया है, गर्मी को दूर करता है, जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो आप इसको खाने में खाएंगे, जुद हज़म है ये अनारदाना की वजह से, तो खाना खाएंगे तो ये हाजमे के लिए बड़ी अच्छी है। बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, तो आपको इसके खाने, इसको खाने के बाद आपको इसके बेनिफिट्स पता चलेंगे कि कितने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो ज़रूर घर में बनाइए और ये चीज़ें ख़त्म ना करें अपनी ज़िंदगी में से, अपने घरों में से ये रहनी चाहिए। मेरे वो व्यूवर जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और जो ब्लू आइकन बेल है उसको भी हिट कर लें ताकि कोई भी अपडेट्स हों वो आपको सबसे पहले मिल सकें। और मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स किया करें, मुझे आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपने इस रेसिपी के तहत कोई चीज़ आपने बनाई है किसी वीडियो के तहत तो वो आपकी कैसे बनी, आप ज़रूर कमेंट किया करें। फरमाइश है तो वो भी करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी फरमाइश को पूरा कर सकूँ। तो शेयर करें मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ये जो जायका है पहुँच सके। तो चलिए व्यूवर्स, फिर किसी दिन किसी नई रेसिपी या नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपनी हौसलों से बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।